जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरे प्रभु श्री राम वनवास वहाँ की यात्रा में इस वक्त मैं अभी हूँ छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर डिस्ट्रिक्ट के जगदलपुर शहर में। पिछले वीडियो में मैंने आपको यहाँ जगदलपुर में इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वाटरफॉल, जो हमारे भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल है, उस वाटरफॉल की मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी। और मैंने आपको बताया था कि आप जगदलपुर कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पर कहाँ रह सकते हैं। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ जगदलपुर से कोटुमसर केव्स और तीरथगढ़ वाटरफॉल। ये जो दो जगह है, ये यहाँ छत्तीसगढ़ के बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है और इन दोनों जगह को प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा से जोड़ा गया है। ऐसा माना जाता है प्रभु श्री राम अपने दंड करने की यात्रा में कुटुमसर गुफा में कुछ समय तक रहे थे और तीरथगढ़ वाटरफॉल पे भी गए थे, जहाँ पे सीता कुंड है और ऐसा माना जाता है सीता जी वहाँ स्नान करती थी। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको इन दोनों जगहों की सारी डिटेल जानकारी दूंगा। अभी इस वक्त मैं जगदलपुर में मेरे होटल के बाहर हूँ। मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में होटल्स बता दिया था, इस वीडियो में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि जब आप जगदलपुर में आएंगे तो बस स्टैंड के पास में ही आपको एक बजट में अच्छा होटल मिल सके, जहाँ आप फैमिली के साथ रह सकते हैं। और अब हम यहाँ से निकलते हैं मेरे होटल से और हम चलते हैं कोटुमसर केव्स। पहले कोटुमसर केव्स की जो डिस्टेंस है वो यहाँ से 30 किलोमीटर है और लगभग 45 मिनट हमें यहाँ से जाने में लगेगा। मैंने यहाँ से बाइक रेंट कर लिया था जगदलपुर से, मेरे पास बाइक है, ये बाइक है, तो यहाँ पर आपको बाइक रेंट पे मिल जाएगा। स्प्लेंडर मुझे मिला था और ये जो बाइक रेंट मैंने जहाँ से किया था उसका नंबर भी आपको दे देता हूँ, ताकि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बाइक मिल जाएगा और होटल यहाँ पे। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं कुटुमसर केव्स। पहले ये देखिए, ये यहाँ पर जगदलपुर का हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है यहाँ पे। और ये हॉस्पिटल के ठीक सामने यहाँ पर देखेंगे तो ये जगदलपुर मेडिकल कॉलेज है, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज यहाँ जगदलपुर में बनाया गया। ये एक इसका गेट है यहाँ से, और ये यहाँ से फिर आगे काफ़ी दूर तक ये फैला हुआ है मेडिकल कॉलेज। जगदलपुर छोटा सा ही शहर है लेकिन बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो दोस्तों, अभी मैं वहाँ जगदलपुर से लगभग 14 किलोमीटर आगे आ गया हूँ, 14-15 किलोमीटर। और यहाँ आने के बाद आपको ये लेफ्ट टर्न मिलेगा, देखिए ये ट्रक जा रही है, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, तो हमें ये लेफ्ट टर्न लेकर आगे जाना पड़ेगा। सीधा जो रास्ता जा रहा है वो चित्रकूट वाटरफॉल की तरफ जाता है और यहाँ से ये हम टर्न लेके अभी हमें अंदर यहाँ से 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो ये अंदर 15 किलोमीटर पे जाने के बाद आपको तीरथगढ़ वाटरफॉल और कुटुमसर केव का जो रास्ता है ये, और यहाँ पर आगे एक रेलवे क्रॉसिंग है, तो अभी मैं रेलवे क्रॉसिंग की तरफ चल रहा हूँ। ये यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है, हमें ये रेलवे ट्रैक क्रॉस करना पड़ेगा, एक मालगाड़ी क्रॉस हो रही है। ये फाटक क्रॉस करने के बाद 15 किलोमीटर आपको स्ट्रेट ही जाना है, कहीं लेफ्ट राइट कहीं कुछ नहीं। जब आप जगदलपुर से आते हैं तो जगदलपुर से 15 किलोमीटर आपको सीधे आना है, फिर एक लेफ्ट टर्न और उसके बाद ये क्रॉसिंग आता है रेलवे क्रॉसिंग, और रेलवे क्रॉसिंग के बाद फिर आपको 15 किलोमीटर फिर सीधा आगे, कहीं लेफ्ट राइट कहीं कुछ टर्न नहीं है, सीधा एकदम आगे जाना है। तो दोस्तों, कांगेर नेशनल पार्क के घने जंगलों से अभी हम बाइक चलाते हुए अब यहाँ पे पहुँच गए हैं कुटुमसर केव्स और तीरथनगढ़ वाटरफॉल के पास। ये देखिए, ये यहाँ पे गेट है, तो यहाँ आएंगे तो देखिए ये कांगेर वैली नेशनल पार्क है, कांगेर वैली नेशनल पार्क का गेट है और इसके अंदर गुफाएं हैं। और यहाँ से आप ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये सुकमा के लिए जा रहा है, यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर के दूर पे, 75 किलोमीटर की दूरी पे सुकमा आता है। और ये जो रास्ता अंदर आप ये जो देख रहे हैं टर्न, यहाँ से 6 किलोमीटर पे वाटरफॉल है। मैं अभी यहाँ पे आया हूँ कांगेर में, आपको मैं पहले कुटुमसर केव्स जाना है, लेकिन यहाँ पर शायद ये केव्स बंद है, मैं पता करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ कांगेर घाटी में तो आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी हो गई है, क्योंकि बरसात के समय में यहाँ पे जो गुफाएं हैं उन गुफाओं को बंद कर दिया जाता है। थोड़ा ये निराशा की बात तो है, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारे जगह हैं जो देखने लायक है और हम वहाँ पे जा सकते हैं, खास करके जो तीरथगढ़ वाटरफॉल है और यहाँ पे बाम्बू राफ्टिंग, कायाकिंग होती है, वो सारी चीज़ें तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे आएंगे तो वो जो रास्ता गया है वो तीरथगढ़ वाटरफॉल का गया है, यहाँ पे ये बोर्ड लगा है वेलकम टू कांगेर वैली नेशनल पार्क जगदलपुर। और यहाँ से जब आप आते हैं, जब आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए वेटिंग हॉल बना हुआ है, यहाँ पे कुछ कैंटीन्स वगैरह है, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये गेट है यहाँ पर, और यहाँ से जिप्सी मिलती है, जिप्सी वाले 2400 रुपए लेते हैं 6 लोगों का, 400 रुपीज पर पर्सन लगता है जिप्सी से, वो आपको यहाँ पर नेशनल पार्क के अंदर लेके जाते हैं। और ये 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से, जो कुटुमसर की जो गुफाएं हैं वो यहाँ गेट से 10 किलोमीटर दूर है अंदर। यहाँ पे कुछ गाँव है, गाँव के लोग वहाँ पे रहते हैं,
मैंने बात की कि मैं वहाँ पे जाऊँ, गांव तक तो जाऊँ, बट वो मना कर रहे हैं कि वो बाहर के जो लोग हैं उनको अलाउड नहीं, सिर्फ गांव के लोग ही वहाँ जा सकते। तो ये पूरा घना जंगल है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गुफाएं यहाँ से ये सीधा रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। मैं अयोध्या से चला हूँ और अयोध्या से चलते चलते मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, बट मानसून की वजह से मुझे वो गुफा में जाने नहीं मिल पा रहा है। तो इसे हम पेंडिंग में रखेंगे, आने वाले समय में बरसात के बाद मैं यहाँ पर वापस आऊँगा और गुफा आप लोगों को अंदर से दिखाऊँगा। अभी मैं आपको यहाँ कांगर घाटी में जो और जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो टूरिस्ट प्लेसेस दिखा देता हूँ। तो गाइस ये देखिए, ये भी आए राइडर्स लोग और हम तो कल मिले भी थे चित्रकूट वाटरफॉल में, तो ये लोग भी यहाँ पे आए थे, यहाँ पे कांगेर नेशनल पार्क में जाने के लिए, बट लेकिन बंद है तो अभी क्या नहीं कर सकते। हाँ ये देखो, ये मोटो व्लॉगिंग करते हैं लक्ष्य व्लॉग्स, ब्लॉगर लक्ष्य गाइस। ओके ओके, आप लोग कहाँ से हैं? वी आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ओके ओके, ये आंध्र से आए और आप रायपुर से आइए, छत्तीसगढ़ से ही है। तो इतने सारे लोग एक साथ डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि ये जो नेशनल पार्क बंद है। दोस्तों कोटुमसर केव्स में, आप कोटुमसर केव्स देखने के बाद इसी रास्ते से जब आप 2 किलोमीटर आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक और जगह मिलेगी, ये कांगर वैली नेशनल पार्क का जो दूसरा पॉइंट है वो आपको मिलेगा। आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक ये चौकी है और यहाँ से फाटक बने, इसके अंदर जाना पड़ता है, तो यहाँ से 5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। तो इसके अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे यहाँ पे देखिए आप कायाकिंग कर सकते हैं, ये कांगर वैली नेशनल पार्क कायाकिंग कर सकते हैं, यहाँ पे होम स्टेज वगैरह और यहाँ पे बाम्बू राफ्टिंग्स वगैरह भी होती है। तो दोस्तों मैं वहाँ से यहाँ 7 किलोमीटर ड्राइव करके आ गया और जब आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए पहले तो ये आपको पार्किंग मिलेगा, ये आप अपनी गाड़ियों को यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, बाम्बूस का जगह टिकट काउंटर बनाया है। तो यहाँ पे जो काया किंग है उसका 100 रुपया है जिस, और जो यहाँ पे जो मेन जो है यहाँ पे बाम्बू राफ्टिंग, जो आप बाम्बू से राफ्टिंग करते हैं उसका पर पर्सन 200 रुपीज़ है। तो ये 100 रुपया और 200 रुपये में आपको यहाँ से ये टिकट मिलेगा। और ये देखिए जाने का रास्ता है, ये गांव है छोटा सा यहाँ कांगेर वैली नेशनल पार्क में, इस गांव के अंदर से जाने का रास्ता है ये, तो यहाँ से गेट से 200 मीटर है। तो अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे कैसे राफ्टिंग होती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ से अभी जो ये बाम्बू राफ्टिंग होती है, जो बाम्बू बोट होती है वो ले लिया, और ये भी यहाँ पर बोटिंग करना ये भी एक यूनिक एक्सपीरियंस है। तो ये कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंदर कांगेर रिवर बहती है, ये कांगेर रिवर है और ये जो पानी है ये पूरा सफ़ेद पानी होता है, लेकिन ये बारिश के समय अभी ये जो पानी का रंग हो गया है ये मिट्टी का रंग हो गया है। और यहाँ पर आपसे 20 से 25 मिनट समझ लीजिए हाफ आवर आप ये बाम्बू राफ्टिंग कर सकते हैं। बाम्बू राफ्टिंग देखिए इस तरह से होती है, यहाँ पर ये है हमारे, क्या नाम है भाई तुम्हारा? शंकर बघेल इनका नाम है। ये यहाँ से ये बोटिंग करते हैं, देखिए इस तरह से ये बोट को चलाते हैं। भैया ये पूरा सेफ होता है? कभी ऐसे पलटता है ऐसे कुछ? नहीं पलटता है ना, होगा। और ये आप लोग ही बनाते हैं यहाँ पे? ये तो कहीं दूसरी जगह मिलता है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ऐसे? नहीं ना, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है। और ये देखिए ये पूरा जंगल है यहाँ पे, ये पूरा वैली है। तो ये आप जब यहाँ पे कांगेर में आएंगे तो ये आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा 200 रुपये में। इस जगह पे बहुत शांति है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, अगर आप शांति में थोड़ा समय बिताना चाहते हैं तो ये जगह रियली बहुत बेस्ट है। अगर हम इसके साथ में कुटुमसर गुफा भी देखे होते तो और अच्छा लगता, बट ये जगह आके भी बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मैंने आपको यहाँ की बोटिंग दिखा दी, ये जो यहाँ पे कांगेर रिवर दिखा दिया, अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ आगे और अब हम जाएंगे तीरथगढ़ वाटरफॉल पर, और मैं आपको तीरथगढ़ वाटरफॉल दिखाऊँगा जो यहाँ छत्तीसगढ़ के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल में से एक है। अभी हम पहुंच गए यहाँ पे तीरथगढ़ वाटरफॉल पे, ये फाटक है, यहाँ पे रुका रहे मैडम सुनते लोग। 20 रुपया बड़ी गाड़ी का कितना है? 50 रुपये। कार का, बस वगैरह का? बस का 100 रुपया। बस का 100 रुपया। ये यहाँ से देखिए ये बैरिकेड्स है, यहाँ पे दुकानें हैं सारी, और ये सीधा जो आगे जा रहा है ये वाटरफॉल के मार्केट है यहाँ पे थोड़ा सा पास में। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ तीरथगढ़ वाटरफॉल के पास, और जैसे देखिए आप यहाँ पे आते हैं तो कार की पार्किंग पीछे है जो मैंने आपको दिखाया, और यहाँ पर आपको 2 व्हीलर की पार्किंग मिलेगी।
तो यहाँ पे आप अपनी टू व्हीलर्स को पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे दुकानें हैं जहाँ पे आपको खाना मिल जाएगा, चाय रोटी सब्जी वगैरह। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको चिकन वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ से फिर ये सीधा रास्ता जो जाता है, ये रास्ता आगे वाटरफॉल के लिए जाता है, सामने ही वाटरफॉल है। ये ऐसे यहाँ पे सारे दुकानें आपको मिलेंगी। और ये दुकान के पास में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये टिकट काउंटर, तो ये यहाँ पे ये टिकट काउंटर है वाटरफॉल पे जाने का। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 50 रुपीज़ पर पर्सन है और फॉरनर्स लोगों के लिए 150 है। तो ये यहाँ से ये रास्ता जाता है, ये सामने गेट, गेट के सामने बंदर बच्चे को लिए हुए, और यहाँ से ये रास्ता, ये वाटरफॉल पे जाने के लिए गेट है। यहाँ से आपको कुछ स्टेप्स उतर के, सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना पड़ता है। तो ये जो जगह है ये प्राचीन दंडकरणी है, और इस दंडकरणी में ऐसा माना जाता है जब प्रभु श्री राम अपने वनवास के समय आए थे, यहाँ पर इस जगह पर माता सीता जी स्नान किया करती थी, इसलिए इस जगह पर यहाँ एक सीता कुंड है। तो मैं अभी यहाँ पर वाटरफॉल पे पहुँच चुका हूँ, तो पहले मैं आपको यहाँ पर जो मंदिर है और जो यहाँ पर सीता कुंड है वो आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ की जो वाटरफॉल में तो अभी बहुत मौज मस्ती करेंगे, यहाँ नहाएंगे, और यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं वो सारी चीज़ें तो मैं बताऊँगा। यहाँ पर देखिए ये वाटरफॉल है, और वाटरफॉल के पास से यहाँ पे ये रास्ता बना है, यहाँ ऊपर से ऊपर जाना पड़ता है। ये यहाँ आप लगभग 15-20 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ मंदिर आपको मिलेंगे, बहुत पुराने मंदिर हैं यहाँ पे। जो मंदिर से जैसे दर्शन करके आप पीछे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक व्यू पॉइंट बनाया गया है जहाँ से आप पूरे ये तीर्थगढ़ वाटरफॉल को देख सकते हैं। देखिए ये यहाँ से ये स्टैंड है यहाँ से, और ये स्टैंड से आप यहाँ से पास से वाटरफॉल को देख सकते हैं, ये यहाँ से बह रहे। और यहीं पर ये आप यहाँ से थोड़ा सा वॉक करके आगे जाएंगे तो यहाँ से आपको सीता कुंड का जो व्यू है वो सीता कुंड का व्यू दिखाई देगा। तो मैं आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ, ये देखिए ये पानी नीचे जा रहा है, और ये जो नीचे है ये सीता कुंड है, और यहाँ का जो पानी है वो यहाँ से आ रहा है। अब जब ये पूरा मानसून में जब ये पूरा जो नदी ओवरफ्लो होती है तब ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये पूरा पानी यहाँ से बहता है, और ये पूरा पानी नीचे यहाँ सीता कुंड को जाता है, और सीता कुंड के बाद नीचे भी वाटरफॉल है, जंगल ट्रेल होता है, आप आगे तक जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ सीता कुंड में भीड़ कम है, ऊपर ज़्यादा लोग हैं, और यहाँ पे लोग कम है, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर सीता कुंड में। ऊपर वाटरफॉल तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये जो नीचे वाली जगह है यहाँ पे आप आना मत भूले, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ये है नीचे यहाँ पे सीता कुंड, इसके नीचे भी जंगल ट्रेल होता है, लोग नीचे तक चल के भी जाते हैं, काफ़ी दूर तक जाते हैं, बट हम उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। और अब मैं ऊपर चलता हूँ और आगे की बातें ऊपर करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको तीरथगढ़ के दो व्यू पॉइंट दिखा दिए, और अब मैं आपको तीसरे और एक भयंकर व्यू के लिए ले जा रहा हूँ। देखिए आप ये गेट से आप अंदर गए थे, वो अंदर नीचे उतरने का रास्ता था, हम उस गेट से गए थे, अभी मैं फिर से ऊपर आ गया। और ऊपर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक शिव जी का मंदिर है, खुला मैदान है यहाँ पर। एक्चुअली ये जो मैदान दिख रहे हैं यहाँ पे पानी भरता है, यही पानी नीचे जाता है। हम जो है तीरथगढ़ वाटरफॉल के ऊपर वाले व्यू पे जा रहे हैं जहाँ से हम ऊपर से वाटरफॉल को देखेंगे। तो ये देखिए ये ऊपर का व्यू है, अभी यहाँ पे पानी कम है, और ये यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो हम वहाँ पर नीचे गए थे, आगे जाना थोड़ा ज़्यादा रिस्क होगा क्योंकि यहाँ पे पूरे जो है ना स्लिपरी है, ये पत्थर स्लिप होते हैं। ये आप देखेंगे तो इसके नीचे तीरथगढ़ वाटरफॉल है, उसके आगे वो मंदिर है, और वो मंदिर से हमें और नीचे जाना होता है। हम नीचे जाते हैं तो वहाँ पर सीता कुंड है, और उसके आगे पूरा दूर तक आप देखेंगे तो घना जंगल है। तो ये है खूबसूरती यहाँ तीरथगढ़ वाटरफॉल की, जब आप यहाँ पर आएँगे तो आपको ये खूबसूरत व्यू देखने मिलेंगे। अभी ये मानसून की यहाँ पर शुरुआत है, जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक मॉनसून पूरा आ चुका होगा, और ये जो जगह अभी जहाँ भी हम खड़े हैं पूरा ये पूरे जगह पर आपको पानी ही दिखेंगे। आज की वीडियो की अगर प्लानिंग देखा जाए तो हमने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, हम कोटुमसर कैलाश गुफा में जाने वाले थे, उसके बाद हम बाम्बू राफ्टिंग करने वाले थे, उसके बाद वाटरफॉल पे आने वाले थे, लेकिन जैसे कुटुमसर गुफा में जाके पता चला कि गुफा बंद हो गया, तो वहाँ से ही जो एक हमारा प्रिपरेशन था वीडियो बनाने का वो थोड़ा सा मिसिंग हो गया। उसके बाद भी आज मैंने बहुत इन्जॉय किया, मैं रिवर राफ्टिंग को रियली बहुत इन्जॉय किया। और उसके बाद यहाँ आने पर आप मेरे ज़्यादातर वीडियो देखेंगे तो मैं ज़्यादातर वीडियो बनाने में ही फोकस करता हूँ, बट आज यहाँ पर मैंने बहुत सारा इन्जॉय
एंजॉयमेंट भी किया, बहुत नहाया और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ तीरथगढ़ वाटरफॉल पे। तो दोस्तों यहाँ पे बारिश भी तेज हो गई है और मुझे यहाँ से अभी काफी दूर जाना है, हमें 30 किलोमीटर फिर जगदलपुर जाना है। अभी हमारी छत्तीसगढ़ की यात्रा समाप्त नहीं हुई है, प्रभु श्री राम इसके बाद और छत्तीसगढ़ के और भी जगहों पर गए थे, उसके बाद उड़ीसा तेलंगाना होते हुए महाराष्ट्र में आए थे। तो ऐसे बहुत सारे अभी जगह, खूबसूरत जगह आपको मेरे इस प्रभु श्री राम वनवास माँ की यात्रा में देखने मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को अगर आपको पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर ना भूलिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं यहीं तीरथगढ़ वाटरफॉल के ऊपर एंड कर रहा हूँ और मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे ऐसे ही किसी खूबसूरत जगह पर। तब तक के लिए बाय, गुड डे, सी यू, जय श्री राम।